नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। टॉप फाइव लेकर हाजिर हैं हम पांच। आपको बताएंगे पांच बजने तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। और शुरुआत करते हैं पांच बजे की पूरे देश की पांच बड़ी खबरें। आइए टीवी स्क्रीन पर देखते हैं ये वो पांच बड़ी खबरें। पहली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टी डीएमके पर जमकर निशाना साधा। कहा कि डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। और अपने इस्तीफे की अटकलों के बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह कहा है कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश नहीं की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी और भाजपा के कुछ विधायक भी उनके संपर्क में हैं। वही तीसरी बड़ी खबर है, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने अब तक की सबसे बड़े ड्रग्स की खेप बरामद की है। भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के दौरान अलग अलग तरह की 3300 किलो ड्रग्स बरामद की गई, साथ ही 5 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर 3000 किलो ड्रग्स बरामद हुई थी। इधर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बवाल जारी है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ महिलाओं ने जमकर वहां पर प्रदर्शन किया है और वहां पर बवाल थमता नहीं दिख रहा। और आज की पांचवी बड़ी खबर, लैंड फॉर जॉब स्कैम में राबड़ी देवी मीसा भारती की दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। 1,00,000 रुपए के बॉन्ड पर दोनों को बेल मिली। और आइए इस वक्त आपको बताते हैं दुर्घटना से जुड़ी बड़ी खबरें। आज दुर्घटनाओं ने कईयों की जान ली है और रफ्तार का कहर दिखा। धार में मुंबई आगरा हाईवे पर हादसा हुआ। ट्रॉले ने युवक को टक्कर मार दी। ट्रॉला पलट गया, पलटने के बाद इसमें आग लग गई। युवक की इसमें मौत हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने वहां पहुंचकर हालात कंट्रोल किए। धामनो थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई है। दूसरी तस्वीर विदिशा के गंज बासोदा की, पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त दिखी है। खुदाई कर रही जेसीबी से पाइपलाइन फूट गई। सड़क पर हजारों लीटर पानी बह गया। आसपास की दुकानों में पानी भर गया। दुकान का सामान खराब हो गया जो आसपास की दुकानें। तो एक तरफ आग तो दूसरी तरफ पानी। आग लगी है ट्रक पलटने के बाद। ट्राले में युवक को टक्कर मार दी और उसके बाद वहां फायर ब्रिगेड की टीम को काबू पाना पड़ा। और इधर विदिशा में जेसीबी की खुदाई के दौरान पाइपलाइन फूट गई और हजारों लीटर पानी बह गया, बर्बाद हो गया। आओ घाट पे आओ। चलिए अब देखते हैं कुछ और बड़ी खबरें पांच बजे की। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। अब जुलाई में विधानसभा का मॉनसून सत्र होगा। तय समय से पहले विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया। 1 मार्च तक इसे चलना था लेकिन एक दिन पहले ही इसे खत्म कर दिया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के स्थगित होने से पहले आज राष्ट्रीय सद्भावना समिति कब्जे का मुद्दा सदन में गूंजा। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की घोषणा कर दी है। जांच रिपोर्ट 3 महीने में पेश कर दी जाएगी। अरुण साहब ने कहा सामुदायिक भवन, गार्डन बनाने और अन्य वस्तुओं की खरीदी पर 3,73,00,000 रुपए खर्च हुए हैं। आयुक्त की सहमति के बिना सामुदायिक भवन दिया गया। ये समिति पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया की। तो आप देख पा रहे हैं विधानसभा में राष्ट्रीय सद्भावना समिति कब्जा मामला गूंजा। इसमें लाखों का सामान जब्त हुआ। ये सामान क्या है ये भी आप देख पा रहे हैं। डबल बेड है, स्टोरेज जिसमें 4 नग आते हैं, लकड़ी की अलमारी है 9 नग और किचन की चिमनी है 2 नग। इसी तरह का बहुत सा हाउस होल्ड का सामान भी दिखा है। कंप्यूटर टेबल है 4 नग, स्टील अलमारी है 12 नग, महंगे टेलीविजन सेट्स भी लगे हैं जिनकी पूरी डिटेल आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसकी जांच होगी, 3 महीने में रिपोर्ट दी जाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर 2 मार्च को मुरैना आ रहे राहुल गांधी की सभा
अब स्टेडियम परिसर में होगी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभा में 1,00,000 लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समय की चुनौती स्वीकार करनी होगी ताकि प्रदेश की 29 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराया जा सके। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 2 मार्च को मुरैना आएंगे। यात्रा को लेकर चंबल में भारी उत्साह। तो न्याय यात्रा के दौरान राजगढ़ के ब्यावरा में मध्य प्रदेश में खाट पंचायत करेंगे राहुल गांधी। 100 खाटों पर किसानों के साथ चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याओं पर बातचीत की जाएगी। कई जिलों में किसान खाट पंचायत इसमें शामिल होने जा रहे हैं, कई जिलों के किसान। छत्तीसगढ़ सरकार की नियत निल्लानार यानी आपका अच्छा गांव योजना के तहत बस्तर वासियों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। नक्सली कमांडर हेड़मा के गांव और टेकलगोड़ा समेत अन्य गांवों के आदिवासियों को रायपुर लाया गया, जिसमें करीब 40 आदिवासी युवा शामिल हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने निमोरा पहुंचकर इन आदिवासियों से मुलाकात की और उनके साथ नाश्ता भी किया। इन आदिवासियों को मॉल एग्रीकल्चर कॉलेज मेकाहाराद घुमाया जाएगा ताकि वे मुख्य धारा में शामिल हो सकें। पूरा रायपुर ये देखेंगे, इसमें बहुत लोग कभी जगदलपुर नहीं आए और अधिकतम लोग तो रायपुर कभी नहीं आए। उनके साथ जाकर के रायपुर देखना है, इनकी विधानसभाओं को देखना है, इनके रायपुर में कितने उन्नति के आयाम आज हैं वो देखना है, एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, मॉल में जाना है। डिप्टी सीएम से मिलने के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण आदिवासी विधानसभा पहुंचे। यहां सभी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। ग्रामीण आदिवासियों से सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि घुमाव फिराव वाले बात में नहीं रहना है, किसी के भटकावे में ना आए, हम आपके साथ हैं, हमारी सरकार की सभी योजनाएं आप तक पहुंचेंगी। वहीं ग्रामीण आदिवासियों ने सीएम से मांग रखी, मोबाइल टावर, आंगनवाड़ी, स्कूल पंप की ग्रामीणों ने मांग रखी। तो रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। एक शख्स पिस्टल लेकर सीएम हाउस पहुंच गया। सीएम साय ने मुलाकात करने वो शख्स आया हुआ था उनसे मुलाकात करने के लिए। सीएम कक्ष के बाहर रोककर पिस्टल जब्त की गई। सीएम हाउस पहुंचना की घटना बताई जा रही। वीआईपी गाड़ी में आने के चलते चेकिंग नहीं की गई। मामले में सीएम हाउस सुरक्षा में तैनात 8 सिपाही निलंबित कर दिए गए हैं। मामले में बड़े अधिकारी की लापरवाही भी सामने आई है। मामले पर डीजीपी अशोक जुनेजा ने कहा कि जो पिस्टल लेकर आया था उसके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही। कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की खबर है। कल रात को नसीर हुसैन की राज्यसभा में जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के आरोप हैं। मामले में बीजेपी ने कर्नाटक कांग्रेस के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी। इधर कांग्रेस ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। और आपको दिखा रहे हैं आगजनी से जुड़ी ये 5 खबरें तस्वीरों के साथ में। ये 5 अलग अलग तस्वीरें देखें, 5 तस्वीरों में अलग अलग स्थानों पर आग लगी हुई है। तो पहली तस्वीर बेमेतरा से, जहां शहर के रसोई रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। रायपुर रोड में स्थित है यह रेस्टोरेंट। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कवर्धा की, जहां चलती कार में भीषण आग लग गई। वाहन चालक समेत 3 लोग इसमें सवार थे। वाहन सवार तीनों लोगों ने किसी तरह कूद कर अपनी जान बचाई। पूरी चौकी के सलहाटी गांव के पास यह हादसा हुआ है। तेलंगाना के मेडचल मलासगिरी में भी भीषण आग लग गई। लोगों ने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तो वहीं जम्मू कश्मीर पुलवामा के पंजगाम गांव में भीषण आग लग गई। आग में घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सेना और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। घर में फंसे लोगों का सेना ने रेस्क्यू किया। तो वहीं टेक्सास में भीषण आग लग गई। टेक्सास के पैन हैंडल एरिया में आग लगी। आबादी वाले इलाकों को खाली कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 2.5 लाख एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन यहां पर झुलस गई। टेक्सास से जुड़े 60 से ज़्यादा राज्यों में इमरजेंसी लागू कर दी गई। जंगलों से बढ़कर रिहायशी इलाकों में अब आग फैल रही है। अगली खबर गुना से, जहां पर नगरपालिका के बजट सम्मेलन की बैठक के दौरान वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 22 के पार्षदों के बीच जमकर हाथापाई हो गई।
इसका वीडियो भी सामने आया है। दो पार्षद दोनों बीजेपी के ही पार्षद बताए जा रहे हैं, आपस में लात घूंसे लगाते नजर आए। गुना नगर पालिका की बैठक के दौरान ये तमाम घटनाक्रम हुआ, जहां बोहरा मस्जिद और पठार मोहल्ले की सड़क को लेकर बीजेपी पार्षदों के बीच विवाद छिड़ गया। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत होने के बाद और अधूरे काम यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिसको लेकर विवाद की स्थिति बन गई। खबर मुरैना से है, जहां पर बाइक सवार 6 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 1 घायल युवक को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज भी बरामद कर ली गई है। बताया जा रहा है कि फायरिंग पुराने किसी विवाद को लेकर की गई। फिलहाल संदेही आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। सूरजपुर में पटवारी से मारपीट का विरोध किया गया। गुस्साए जिले भर के पटवारियों ने धरना दिया। कोतवाली थाना के सामने धरना दूसरे दिन भी जारी है। कलम बंद कर धरने पर बैठने से ग्रामीण परेशान है। वहीं पटवारियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पटवारी नाराज हैं। 10 दिन पहले पटवारी से मारपीट की गई थी। कोतवाली थाना के कमलपुर गाँव का ये पूरा मामला है। और अब बारी है यूपी अपडेट के। मैनपुरी पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग पीएम मोदी से प्रभावित होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 सीट जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नति के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हैं। जालौन में साइबर थाने का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली तरीके से लोकार्पण किया है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए थाने की स्थापना की गई। जालौन में ऑटो से नीचे गिरी मासूम बच्ची को तेज रफ्तार कंटेनर ने रौंद दिया। हादसे में मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। मासूम की मौत से गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम किया। उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुकर गांव के नजदीक यह दुर्घटना घटी। बुलंदशहर और मेरठ हाईवे पर छात्रों से भरी स्कूली बस का स्टीयरिंग फेल हो गया। बस ने कार के परखच्चे उड़ा दिए। बस की भीषण टक्कर से कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। तो जालौन में अवैध खनन और परिवहन का गढ़ ये बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां यहां पर उड़ाई जाती है। परिवहन विभाग और सिंडिकेट की मिलीभगत से सड़कों पर फराटे भर रहे गिट्टी मुर्रुम से भरे ओवरलोड ट्रक सड़कों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए आईबीसी 24 यूपी यूके को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो टॉप 5 में आज के लिए बस इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें आईबीसी 24। फिलहाल हम इजाजत दें। नमस्कार।